राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है महात्मा गांधी के जीवन के संस्मरणों पर आधारित एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक बहुरूप गांधी से संकलित प्रेरक ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला। इस श्रृंखला में सुनिए कार्यक्रम सपेरा। गांधी जी जब छोटे थे तब वह सांपों से बहुत डरते थे। वह अंधेरे में अकेले नहीं जा सकते थे। उन्हें लगता था कि अंधेरे में भूत प्रेत, चोर और सांप छिपे हुए हैं। 35 वर्ष की आयु में गांधी जी एक प्रकार से वानप्रस्थी हो गए थे और आश्रम में रहने लगे थे। उनके आश्रम में रहने के लिए शुरू में कोई झोपड़ी या कुटिया नहीं थी। आश्रम एक बड़ा सा अहाता था जिसमें एक कुआं था, खेती के लिए काफी जमीन थी और एक बड़ा बागीचा था। शहर की गंदगी और शोरगुल से दूर यह एक शांत स्थान था। गांधी जी अमीर नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने आश्रम के लिए सस्ती बंजर भूमि खरीदी और अपनी मेहनत से उसमें खेत और बाग बनाए। फीनिक्स बस्ती, टॉलस्टॉय बाड़ी, साबरमती आश्रम, बर्धा आश्रम और सेवाग्राम, इन सभी आश्रमों में सांप बहुत थे। रहने के लिए झोपड़ी बनने के पहले आश्रम वासियों को तंबुओं में रहना पड़ता था और बाल बच्चों के साथ ऐसी वीरान जगह में रहना जोखिम का काम था। किसी दिन खलिहान की छत से कोई सांप लटकता दिखाई पड़ता तो किसी दिन साइकिल के पास दो सांप गेंडोरी मारे पड़े दिखाई पड़ते। कभी कभी सोने के स्थान के पास भी सांप घुस आते थे। सांपों का आना रोकने के लिए क्या उपाय किया जाए, यह बहुत बड़ी समस्या थी। गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे और कट्टर वैष्णव थे। वह बीमारी में भी अपने बेटे या पत्नी की या अपनी जान बचाने के लिए अंडा, मांस का शोरबा या ऐसी दवा नहीं लेते थे जिसमें किसी जीव की हिंसा हुई हो। गांधी जी की सांपों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने की बड़ी तीव्र इच्छा थी। कैलन बाग से उन्होंने विषैले और निर्विष सांपों की पहचान करना सीखा। इससे बरसों पहले दक्षिण अफ्रीका की बात है। वहां जेल में गांधी जी के मसूड़ों में खून निकलता था। एक नीग्रो कैदी उनकी सेवा करता था। दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझते थे और जो कुछ बात करनी होती इशारों से करते थे। एक दिन वह नीग्रो कैदी दर्द से चिल्लाता हुआ उनके पास आया। पूछने पर गांधी जी को पता चला कि उसकी उंगली में सांप या किसी कीड़े ने काट लिया है। उन्होंने तुरंत जेल के अस्पताल को पुर्जा भेजा। वह जानते थे कि जहरीले खून को निकाल देने से लाभ होता है। क्योंकि कोई साफ चाकू उस समय नहीं मिला, इसलिए कटी हुई उंगली में मुंह लगाकर वह जहर चूसने लगे। उनको मालूम था कि जख्मी मसूड़ों वाले मुंह से जहर को चूसना खतरनाक है, लेकिन उस नीग्रो की पीड़ा उनसे सहन नहीं हुई और वे रुके नहीं। गांधी जी जानते थे कि सब सांप जहरीले नहीं होते और न हर सांप के काटने से मौत ही होती है। केवल 12% सांप जहरीले होते हैं। गांधी जी अपने देशवासियों को, विशेष रूप से गांव वालों को, सांपों के बारे में सही जानकारी देना चाहते थे जिससे वे उन निर्विष सांपों को न मारें। उन्होंने अपनी पत्रिका में इस विषय में सांपों के चित्र देकर कुछ लेख भी प्रकाशित किए। एक बार उन्होंने हरिजन में लिखा, हम जहरीले और गैर जहरीले सांपों में भेद नहीं कर पाते और इसीलिए बिना सोचे समझे सभी सांपों को मार डालते हैं।
कई बार सांप का काटा आदमी जहर के कारण नहीं बल्कि भय के कारण मर जाता है। जहरीले सांप भी जब तक पैरों से दब न जाए या उन्हें सताया न जाए तब तक नहीं काटते। सांप खेतों से चूहे या कीड़े आदि का सफाया करते हैं, इसलिए उनको क्षेत्रपाल, खेतों का रखवाला कहा जाता है। नागपंचमी के दिन गांव में माताएं सांपों के लिए सकोरे में दूध भरकर रखती हैं। इस प्रकार सांपों के प्रति मैत्री दिखाई जाती है। सात फनों वाले शेष नाग के ऊपर शयन करते हुए विष्णु का चित्र मुझे बहुत अच्छा लगता है। वह यह दिखाता है कि अपने सर पर फन काढ़े सांप की शैया पर भगवान किस प्रकार निश्चित भाव से लेट सकते हैं और ईश्वर की दृष्टि में सांप कोई खतरनाक जीव नहीं है। गांधी जी ने एक बार अपने एक दार्शनिक मित्र से पूछा, अगर किसी साधक पर सांप आक्रमण कर दे तो उसे क्या करना चाहिए? मित्र ने उत्तर दिया, उसे सांप को मारना नहीं चाहिए और यदि सांप काटे तो उसे काटने देना चाहिए। गांधी जी स्वयं सांपों को कभी चोट नहीं पहुंचाते थे और सांपों ने भी उनको या उनके आश्रम वासियों को कभी कोई हानि नहीं पहुंचाई। गांधी जी के किसी भी आश्रम में कभी किसी व्यक्ति की सांप के काटने से मृत्यु नहीं हुई। कई बार गांधी जी के शरीर से सांप छू गए लेकिन सौभाग्यवश उनको कभी काटा नहीं। एक दिन की घटना है, शाम का समय था और गांधी जी प्रार्थना में बैठे हुए थे। उस दिन उनका मौन था। उसी समय एक सांप वहां आ गया और गांधी जी की तरफ बढ़ने लगा। गांधी जी के साथी एकदम घबरा उठे। हलचल देखकर सांप भयभीत हो गया और बचने के लिए गांधी जी की गोद में चढ़ गया। गांधी जी ने लोगों को शांत रहने के लिए इशारा किया और अपनी प्रार्थना जारी रखी। सांप सरक कर गोद से उतरा और चुपचाप चला गया। गांधी जी से लोगों ने पूछा कि सांप चढ़ने पर आपको कैसा लगा था? गांधी जी ने उत्तर दिया, एक क्षण तो मैं घबराया, इसके बाद मैं फिर शांत चित्त हो गया। अगर सांप मुझे काट भी लेता तो मैं कहता, इसे मारो मत, इसको हानि न पहुंचाओ, इसे जाने दो। बहुरूप गांधी। इस श्रृंखला में अभी आपने सुना कार्यक्रम सपेरा। विषय संयोजन प्रोफेसर राम जन्म शर्मा, विषय समन्वय डॉक्टर अमरेंद्र बेहरा, आलेख अनु बंदोपाध्याय, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, वाचन स्वर राजश्री त्रिवेदी, ध्वन्यांकन सतीश लाडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत फोरो।